तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू गोभी के पकोड़े, अलग तरीके से बनाएंगे। ये इसकी सारी सामग्री है, हम बताते हैं। ये उबले हुए आलू है, ये गोभी है, ये कटा हुआ प्याज है, ये कटा हुआ अदरक है, ये कसूरी मेथी है, ये मटर है, ये हरा धनिया है। इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसमें जीरा है, धनिया का पाउडर है, हींग है, हल्दी है, नमक है, मिर्चू का पाउडर है, लाल मिर्च है। लाल मिर्च चाहे तो डाल लो, नहीं तो हरी मिर्च पिसी हुई है। अब इस गोभी को हम कद्दूकस करेंगे ऐसे, आलू में मिक्स करेंगे। ये आलू गरम है ना, अभी उबाले हैं, इनको ऐसे कर दो जिससे कि ये ठंडे हो जाए, आपका फिर हाथ नहीं जलेगा। ये आलू बारीक हो गए, अब इसमें हम ये गोभी कद्दूकस करी हुई ऐसे डालेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें ये अदरक डालेंगे, इसमें ये मटर डालेंगे, इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा बचाएंगे। इसमें ये कसूरी मेथी है, ये हींग है भुना हुआ, इसको ज़रा सा भून कर डालना, और ये जीरा पाउडर है, ये भी पीस कर डालना। इसे हींग को भून कर डालना, इससे पकोड़े अच्छे बनेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी खाने से। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसमें हम मिर्च और अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च, आप चाहे तो लाल भी डाल सकते हैं थोड़ी बहुत। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अमचूर डालेंगे जिससे इसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा होएगा, अच्छा लगेगा। ये तो हमारी भुज्जी तैयार हो गई, अब हम बनाएंगे बेसन का घोल जिसमें कि ये पकौड़े उतारेंगे। इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे 1-1 चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे जिससे कि इसका कलर अच्छा हो। इनको ऐसे मिक्स करेंगे, और जो कटे हुए प्याज बचाए थे वे भी हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, इसको ऐसे मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो, और इसमें थोड़ा आप सूखा पिसा हुआ पुदीना भी डाल सकते हो। अब हमारा बेसन का घोल बन के हो गया तैयार, ऐसा करना ऐसे। जब हम पकोड़े बनाने स्टार्ट करेंगे तो हम इसके बेसन के घोल में 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, इससे कि पकोड़े फूल जाएंगे और अच्छे बनेंगे। और ये आलू के हमने ऐसे गोल गोल बना, हमने ऐसे बना लिए गोल गोल जिससे कि ये जल्दी बनेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, इस कढ़ाई में हमने तेल लिया है, अब इसको हम तेल को पूरा गर्म करेंगे। ऐसे डाल के देखना हमारा तेल गरम हुआ या नहीं, देखो पूरा गरम हो गया। अब इसमें ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे करके ऐसे डालेंगे, इनको ऐसे पलटना ऐसे, देखो अभी लाल हो रही है। देखो अब ये पकोड़े लाल हो गए हैं, अब इनको इस प्लेट में निकालेंगे ऐसे।
देखो हमारे पकोड़े बन के हो गए तैयार, और ये खटाई है, इसके साथ खाना बहुत अच्छे लगेंगे। हमने चटनी की वीडियो पहले भी बनाई थी, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो ये चटनी कैसे बनती है। बहुत अच्छी है और बहुत आसान है चटनी को बनाना और इसके साथ खाना पकोड़े। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।